फिल्म भारत में कहीं भी किसी भी राज्य किसी भी जगह पर जो मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो शहरों में काम करने जाते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति की जिंदगी है उसके आसपास में रहकर भी उस पूरे उस मजदूर के जीवन को और उसके आसपास के पूरे सिनेरियो को देखने की कोशिश की है। वर्तमान आर्थिक हालात हैं, उन हालातों में उस कैरेक्टर के साथ हम लोग रहे हैं, साइकिल उसकी यात्रा है। जय, कब तक रोंदवे को बिचार है कि जब तक बिल्कुल टे नहीं बोल जाए, जब तक तू मेरी और मैं तेरा। जब बोलेगो कारी जबानी बोलेगो, बैठनो ही बेकार है तेरे पास। तो अरे साइकिल, मोटो तो ये साइकिल आती हुई दिखना रही। मेरा एक पूर्व सहयोगी है, हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री में साथ थे जो इंडिया में यूपी में 2014 में 13-14 में राइट्स हुए थे, तो मेरे राइट्स उस पर एक फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री मुजफ्फरनगर बाकी है। तो उस फिल्म के दौरान हमारा एक लड़का था जो असिस्ट करता था, वो इनके टच में था। फाइनली स्क्रिप्ट उसके पास थी तो उसने ये, मैं भी सोच रहा था कि कहीं कहीं ये स्क्रिप्ट जो है पढ़ाई जाए, देखते हैं क्या है। तो और प्रकाश जो है चेहरे से मुझे लगता था कि हाँ इस कैरेक्टर के आसपास हो सकते हैं, और उनकी समझ भी वैसी है, उनका सिनेमा भी उसी उस तरीके का सिनेमा भी उनके करीब रहा है। जैसे दामोल, खुद उनकी दामोल जो थी मुझे बहुत पसंद थी। तो कुछ चीजें थी जो मुझे लगा कि हाँ उनसे बात की जानी चाहिए, और स्क्रिप्ट उन्हें पढ़ाई जाए। स्क्रिप्ट भेजी गई, 5 दिन के अंदर उनका आ गया था, फोन पे मिलना चाहते हैं। हम लोग मिले, चाय पी हमने एक, और खूब सारी बातें करी, सिनेमा की बातें कम करी, और तय हुआ कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं। घर कैसे चला वो, जा महीना में 12 दिन भी काम पे ना जा पाए हो तुम तो? ऐसे कैसे काम चलेगा, तेरो रोज को सुना टिके हो यार, या फिर तू टम्पू ते आओ कर यार। पापा तुम तो कह रहे कि तुम कहो थकते ना, अब कैसे थक गए? कहानी मतलब मेरे हिसाब से कहानी जो है वो एक टूल है, हमें मेजरली ये दिखाना था कि सिचुएशन क्या है, जो वर्किंग क्लास की क्या सिचुएशन है, उसके लिए हमने टूल लेना था। तो ये मतलब ये टूल भी आ गया दिमाग में कि चलो एक साइकिल की ऐसी कहानी बना सकते हैं कि एक बंदा है जो साइकिल खरीदना चाहता है। लेकिन ये हमेशा से था दिमाग पे कि अगर फिल्म लिखेंगे साथ में तो वर्किंग क्लास की कहानी होनी चाहिए कुछ उसमें। तो ऐसे ही आया, मतलब सोसाइटी को दिखाने का वो एक टूल था, शुरुआत ऐसी हुई थी। मतलब डॉक्यूमेंट्री में हम भी कहानियां ही तलाश रहे होते हैं अलग अलग तरीके से, और सिनेमा में भी तो तीनों है तो आसपास की ही चीजें। मेरे लिए ये था कि पहली बार मैं कर रहा, पुलकित का फिल्म स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तब तक ये फिल्म स्कूल गया नहीं था, और यही थिएटर करता था और साथ में। तो फाइनली फिल्म मैं बहुत ज्यादा फर्क मुझे लगा नहीं कभी। टेक्निकली कुछ चीजें हैं जो निश्चित रूप से फिक्शन के साथ, कई बार लगता है फिक्शन के साथ थोड़ी आजादी है कहने की, क्या डॉक्यूमेंट वो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फर्क समझ नहीं आता। मुझे लगता है डॉकी और सिनेमा दोनों ही करीब की चीजें, अगर आप उसमें बहुत कुछ ऐसा न करें जो कि एकदम से ही अलग दुनिया से कुछ आ गया हो। प्रोडक्शन जो है ये तो शिवदेवा फिल्म्स जो है, सुधीर भाई मिश्रा जो है उन्होंने ये देखा है पूरा का पूरा प्रोडक्शन उनका था। मेरी तो सिर्फ डायरेक्शन टीम थी, है ना, डायरेक्शन टीम हमारी थी, डीओपी को हम लेके आए थे, और बाकी सारा तो वो लेके आए हैं। और वो प्रोडक्शन उनका काफी अनुभव है जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में, उन्होंने जैसे झाँसा की राजनीति, सत्याग्रह, बाकी जो बड़ी फिल्में इनकी, वो उनके प्रोडक्शन में उन्होंने देखे हैं। तो ये फिल्म सुधीर भाई ने प्रोड्यूस करी, तो ये सब तो बहुत ज्यादा उन्हें अनुभव है। बाकी लोगों के साथ काम करने का मेरा खूब अनुभव है, मैं 50 लोगों के साथ हमेशा काम करता हूँ, तो उस तरीके की दिक्कत नहीं। झा साहब
जब आए इसमें तो उनका स्पष्ट था, क्लियर था कि मैं एक्टिंग करने आ रहा हूँ, है ना, और हम भी यही चाहते थे। क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी उनके कंधे पर थी। इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो आप पूरी फिल्म में शायद 7-8-10 सीन निकलेंगे जिसमें उनकी ऊपर वो है नहीं, तो उनके ऊपर उन्होंने एक अलग फोक लैंग्वेज के साथ भी डील करना था, तो उनके उन्हें बहुत मेहनत करनी थी। बावजूद उसके ये है कि उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया है, और उसमें बहुत कोई कभी मुझे लगा नहीं सेट पर बहुत कूल थे, और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और तो मुझे लगा ही नहीं कभी कि हमारी कोई दिक्कत हो सकती है। पहला मेरा वो था, ये उन्हें पता था, और वो प्रकाश झा ये मुझे पता था, सबको पता है ना। तो हाँ, तो मतलब कभी कोई वैसा रहा नहीं, आज तक नहीं है। सुधीर भाई मिश्रा बेहद कमाल के प्रोड्यूसर हैं, और वो ना जैसे भारत में शादियां बड़ी होती हैं, है ना, पता ही आपको, तो शादी वाला जो होता है बेटी का बाप, वो जितना 5 बेटियां हो तो तीसरी बेटी के बाद वो उतना ये हो जाता है, वो सब कुछ पता रहता है कैसे होना है, तो दिक्कत नहीं आती। तो सुधीर भाई के साथ वही है, आप मजे करिए सेट पे। और डायरेक्शन टीम इतनी कमाल थी, वो मुझे शाम को कहती थी घर जाइए सोइए, और आप सुबह शेड्यूल पहुंचेगा आपके पास, इतने सेट पे आना है। और वो जो डायरेक्टर थे सब नए थे, बहुत एनर्जेटिक थे, और ना प्रोडक्शन की तरफ से पैसे वैसे कोई इशू ही नहीं था हमने कहा। बाकी सारे एक्टर यहीं के हैं आसपास के, जो जहाँ शूट हुई है फिल्म, मथुरा यूपी में, पश्चिमी यूपी में मथुरा के आसपास शूट हुई है, तो सारे एक्टर जो थे वही के स्थानीय लोग थे। मजदूरों की जिंदगी की कहानी, तो ज्यादातर लोग हमने उन्हीं में से लिए, ट्रेंड किए हैं, कुछ लोग थिएटर कभी कभी किया वो है। और झा साहब आपको भी हमने कहा था कि आपको प्रकाश झा के तौर पर कोई पहचाने नहीं, यही हमारी सफलता होगी, क्योंकि तो मजदूर लगना चाहिए, दिहाड़ी मजदूर लगना चाहिए। तो वो तो सारे एक्टर वो है जो पहली बार आप देखे हैं। देखते देखते 20 साल निकल गए यार, कल्लू कछु नहीं कर पाए यार। ले तू मेरी थाली में दिखा ले, मेरो है गो। Ha ha ha.